नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। तो अगर कोनो पढ़ाई लिखाई नहीं करे उन्हें वो तो भांगरे जोन बने, मजदूरे जोन बने। 2 साल से पढ़ाई हुआ थे, हुआ कोरोना के चलते बंद है। तो हमारे घर बेटा बेटी मन तो 2 साल पछुआ गए, पछुआला कि नहीं पछुआला। जहाँ जहाँ रात्रि पाठशाला चला तो गांव में पढ़ाई नहीं बंद। पिछला दो साल से पढ़ाई बंद नहीं। और उमन सब प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल कर छवा मन से आगे उमन है। रात्रि पाठशाला से गांव में उजियारा फैला रहे डॉक्टर अरुण उरांव। बाबा कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला 7 वर्षों से इस पहल का फलक विस्तृत होकर 3 जिलों तक जा पहुंचा है। कार्तिक उरांव अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। गुमला से मैट्रिक करने के बाद वे ठक्कर बप्पा के आश्रम में चले गए। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, वहां उन्होंने 9 वर्ष बिताए। विश्व के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रारूप उन्होंने ही बनाया, जो आज हिंगले न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। रविवार को दतिया मच्चा टोली में बाबा कार्तिक उरांव के जन्मदाता पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव के द्वारा गांव में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, रोजगार, गांव का विकास और खेती बाड़ी पर विशेष चर्चा की गई। पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव ने बताया कि रिटायरमेंट लेने के बाद कुछ सार्थक करने की इच्छा मन में थी। सोचता था समाज से जो लिया है उसका प्रतिदान समाज को मिलना चाहिए। ऐसे में गांव के बच्चों की ओर ध्यान गया, इसके बाद इसकी कार्य योजना बनाने में जुट गए। उन्होंने कहा कि गांव गुरबा के बीच शिक्षा का अलग जगाने, उन्हें एकजुट करने, नया उत्साह और नई उम्मीद देने की इस अनूठी यात्रा देने में हमारे साथी और सहयोगी दृढ़ संकल्प और निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता लंबा, संघर्षपूर्ण और चुनौतियों से भरा है, पर हमने इसको मात देने की ठानी है। वर्ष 2014 में सेवा से स्वैच्छिक अवकाश लेने के बाद अपने घर में उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की मुहिम शुरू की। इसकी शुरुआत मांडर से बाबा कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला के रूप में हुई। 7 वर्षों से इस पहल का फलक विस्तृत होकर 3 जिलों तक जा पहुंचा है और रांची, गुमला और लोहरदगा में चल रही 75 रात्रि पाठशालाओं के जरिए 4,500 बच्चों के जीवन शिक्षा का उजियारा हो रहा है। इस रात्रि पाठशाला में 350 शिक्षक शिक्षिकाएं 4,500 बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। डांगरी रेजा कुली मजदूर बनाए चाह रहे, हाथ खड़ा कर। कोई है? कोई नहीं चाहला है? नहीं तोरे मजबूरी मजदूरी कर ला, तोरे में से ढेर भाठा भी गेला कमाए के लिए, बाहरे पंजाब गेला, कैसन हाल होलक? आई जो हमारे घर ढेर बहन बेटी मन जात हैं, बाहरे जात है नहीं, तो कैसन हुआ हालत रहला रबरे के पता है, हम बोलित नहीं चाह। जबरे मन अपन बेटा बेटी के भाई बहन के उसने भेजे चाह लगा इतना खराब हालत रहे। तो अगर कोनो पढ़ाई लिखाई नहीं करे बोले वो तो भांगरे जोन बने, मजदूरे जोन बने, रेजाए बनी, कुली बनी, कोई नौकरी करे के तो पढ़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 साल से पढ़ाई हुआ थे, हुआ कोरोना के चलते बंद है। तो हमारे घर बेटा बेटी मन तो 2 साल पछुआ गए, पछुआला कि नहीं पछुआला।
दो साल के रूप में पूरा करे पड़बा उनकर उम्र घटी का नहीं घटी, लेकिन जहाँ जहाँ रात्रि पड़ता होता रहता गाँव में पढ़ाई नहीं बंद पिछला दो साल से पढ़ाई बंद नहीं है, और उमन सब प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल कर छवा मन से आगे उमन हो। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी इन पाठशालाओं में ग्रामीण बच्चों के पठन पाठन को नियमित रखा गया। स्कूल से ड्रॉप आउट हुए बच्चों को दोबारा पढ़ाई करने का मौका मिल पाया। इस रात्रि पाठशाला का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा पढ़ाई करने का मौका मिल पाया और बच्चों ने दोबारा पढ़ाई शुरू की। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।